नमस्कार, आरएस अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम नीर मोरू यानी कि साउथ इंडियन स्टाइल में छाछ बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। एक कप हमने बिल्कुल फ्रेश गाढ़ी दही ले ली है। खट्टी दही हमें नहीं लेनी है, बिल्कुल फ्रेश गाढ़ी दही लेनी है। और इसे हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फेंट लेंगे। तो इसे देखिए, हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 8-9 करी पत्ते और एक मुट्ठी हमने धनिया पत्ती डाल दी है। आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से फेंटेंगे, 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह हमें फेंटना है, ताकि हमने इसमें जो कुछ भी डाला है, धनिया, करी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च, इन सब का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ सके। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे और इसे फिर हम 2 से 3 मिनट तक फिर से अच्छे से फेंट लेंगे। इसे हम अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसका फ्लेवर हम छाछ में आ जाए। छाछ तो आपने कई बार पिया होगा, लेकिन इस तरह आप एक बार छाछ बनाएं, बहुत ही टेस्टी छाछ बनता है। आप इसे गर्मियों में बना के पिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा और आप बार बार बनाएंगे। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। 1 छोटा चम्मच तेल गर्म कर लिया है, उसमें आधा छोटा चम्मच राई डाल देंगे, 2 पिंच हींग और 7-8 करी पत्ते डाल देते हैं। अब ये तड़का तैयार है। अब हम इस तड़के को छाछ में डाल देंगे। तो ये हमारा साउथ इंडियन स्टाइल में नीर मोरू यानी कि बटर मिल्क तैयार है। अब ये पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। 2 ग्लास में हमने इसे निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी छाछ बन के तैयार हुआ, आप ज़रूर ट्राई करें। तो गर्मी में ठंडा ठंडा छाछ पीने के लिए तैयार है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।